हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे टेक्निकल चैनल टेक टू डू पर। दोस्तों, व्हाट्सएप पर हम लोग दिन रात कुछ ना कुछ स्टेटस लगाते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का स्टेटस सीन तो करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि उन्हें पता चले कि हमने स्टेटस उनका सीन कर लिया है। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी का स्टेटस सीन कर लें लेकिन उसे पता ना चले कि आपने स्टेटस सीन कर लिया है, तो गाइस आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। क्योंकि गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसका यूज़ करके आप किसी के भी स्टेटस को सीन कर सकते हैं और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल टेक टू डू को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि टेक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइज, हमारे पास यहाँ पर अभी दो व्हाट्सएप है। एक व्हाट्सएप हमारा मेन व्हाट्सएप हो गया और एक व्हाट्सएप हमारा क्लोन वाला हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्लोन वाले व्हाट्सएप पे जाकर एक स्टेटस लगाएंगे और फिर मेन वाले व्हाट्सएप पे आकर उस स्टेटस को सीन करेंगे और फिर व्हाट्सएप पर वापस जा करके क्लोन वाले में जाके चेक करेंगे कि हमारा सीन शो करता है कि नहीं करता है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो है अभी तक हमने कोई भी सेटिंग नहीं की है, तो ये हमारा जो है स्टेटस शो करता है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हमारे क्लोन वाले व्हाट्सएप में। क्लोन वाले व्हाट्सएप में आने के बाद हम लोग यहाँ पर एक स्टेटस लगा लेंगे। यहाँ पर हमने एक स्टेटस लगा ली है, ये वाली। अब हम लोग बैक आ जाएंगे और चलते हैं अपने दूसरे वाले व्हाट्सएप पे, मेन व्हाट्सएप पर। मेन व्हाट्सएप पे आने का गाइस, यहाँ पे हमें ऊपर में शो कर रहा है, स्टेटस शो कर रहा है। हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर इस स्टेटस को सीन कर लिया है। उसके बाद हम लोग मिनिमाइज़ कर लेते हैं और वापस से चले जाते हैं अपने क्लोन वाले व्हाट्सएप पर। क्लोन वाले व्हाट्सएप पे जाएंगे और जा करके जब चेक करेंगे तो हमारा ये दिखा रहा है कि किसने हमारी स्टेटस देखी थी। यहाँ पर हमारा स्टेटस जो है वो सीन कर रहा है कि हमने ये देख लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको जो है ना डिलीट कर लेते हैं, ये वाले स्टेटस को, और चलते हैं अपने मेन व्हाट्सएप के अंदर। जब मेन व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड टॉप कॉर्नर पर आपको थ्री डॉट दिखेगा। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद अकाउंट में जाएंगे, फिर प्राइवेसी में चले जाएंगे। यहाँ पर आपको जो है ना रीड रेसिपिएंट्स लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको जो है ना ऑन है तो आप इसको ऑफ़ कर लेंगे। रीड रेसिपिएंट आप ऑफ़ करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे और फिर चलते हैं अपने वापस से क्लोन वाले व्हाट्सएप पे। क्लोन व्हाट्सएप पे आने के बाद हम लोग एक वापस से स्टेटस लगाते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेटस लगा लिया है क्लोन व्हाट्सएप के अंदर, आप देख सकते हैं। अभी तक इस पर कोई भी सीन नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने मेन व्हाट्सएप के अंदर। जब मेन व्हाट्सएप के अंदर हम लोग आएंगे तो गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो है ना यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। जो हमारा वो वाला नंबर था जिससे हमने किया था, उसका व्हाट्सएप यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है। हमने ये स्टेटस उसका देख लिया है। ठीक है, अब बैक आ जाते हैं और चल के चेक करते हैं हमारे क्लोन वाले व्हाट्सएप में कि हमारा जो स्टेटस है वहाँ पर कैसा शो कर रहा है, वो सीन वहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर व्हाट्सएप में आ गए, क्लोन वाले व्हाट्सएप में। यहाँ पर जब हम लोग चेक करेंगे तो गाइस देखिए, हमने स्टेटस देख लिया है लेकिन यहाँ पर सीन शो नहीं कर रहा है। तो गाइज़, इस तरीके से आप जो है अपने व्हाट्सएप के अंदर सेटिंग करेंगे, जाके रीड रेसिपिएंट को ऑफ़ कर देंगे तो सामने वाला जो भी पर्सन जो है ना व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस लगाएगा तो आपका आप सीन कर भी लेंगे तो भी उसे शो नहीं करेगा कि आपने उसके स्टेटस को सीन कर लिया है। यहाँ पर गाइज़ दो मोबाइल लगता है, लेकिन मैंने आपको एक ही मोबाइल के अंदर जो है ना करके ये क्लोन बना करके दिखा दिया। तो आप इस सेटिंग को एक बार कर ले, अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं अगर समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ सकते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में भी आपको बता दूंगा और आपको कोई भी डाउट रहा तो उसे क्लियर कर दूंगा। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप अपने सजेशंस भी कमेंट में बता सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है गाइज़ आज की वीडियो आपको पसंद आई और अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे सबसे पहले। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।